वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में मैथमेटिक्स यानी कि गणित से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में। यानी फुल मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के। इसके पहले ऑलरेडी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसका सेपरेट वीडियो बना दिया है। फिजिक्स के सिलेबस का अलग वीडियो है और केमिस्ट्री के सिलेबस का अलग वीडियो है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स यानी गणित का पहला चैप्टर आपका होगा वर्गमूल एवं घनमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये आपका क्यूब रूट है, सीआई नहीं है, ओके। फिर दूसरा चैप्टर आपका होता है घातांक एवं करणी। तीसरा चैप्टर आपका है सरलीकरण। चौथा चैप्टर आपका है बहुपद एवं गुणनखंड। उसके बाद से पाँचवा चैप्टर आपका है लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। छठवां चैप्टर आपका है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। सातवां चैप्टर आपका है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। ये आपका है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। आठवां चैप्टर आपका है लघु गणक। उसके बाद से नौवां चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। उसके बाद से आपका दसवां चैप्टर आपका है प्रतिशतता। उसके बाद से ग्यारहवां चैप्टर आपका है लाभ हानि एवं बट्टा। बारहवां चैप्टर आपका है साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तेरहवां चैप्टर आपका है औसत। चौदहवां चैप्टर आपका है अनुपात समानुपात एवं मिश्रण। पंद्रहवां चैप्टर आपका है कार्य तथा समय। सोलहवां चैप्टर आपका है चाल तथा समय। सत्रहवां चैप्टर आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। अठारहवां चैप्टर आपका है विक्षेपण की मापे। उन्नीसवां चैप्टर आपका है समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण। बीसवां चैप्टर आपका है त्रिभुज। उसके बाद से इक्कीसवां चैप्टर आपका है पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग। बाईसवां चैप्टर आपका है समरूप त्रिभुज। तेईसवां चैप्टर आपका है वृत्तीय माप। चौबीसवां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति फलन एवं सर्व समीकाएँ। पच्चीसवां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति फलनों के मान। छब्बीसवां चैप्टर आपका है दो कोणों के योग व अंतर के त्रिकोणमिति फलन। सत्ताईसवां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र। अट्ठाईसवां चैप्टर आपका है ऊंचाई एवं दूरी। उनतीसवां चैप्टर आपका है वृत्त। तीसवां चैप्टर आपका है वृत्त की स्पर्श रेखा। इकतीसवां चैप्टर आपका है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। बत्तीसवां चैप्टर आपका है घन घनाप तथा बेलन। तैंतीसवां चैप्टर आपका है प्रिज्म। ये प्रिज्म है पिरामिड तथा शंकु। चौंतीसवां चैप्टर आपका है गोला। पैंतीसवां चैप्टर आपका है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। उसके बाद से आपका छत्तीसवां चैप्टर आपका है सरल रेखा। उसके बाद से सैंतीसवां चैप्टर है आपका आव्यूह। आ व यू, ये आपका सैंतीसवां चैप्टर है। इस तरीके से मैथमेटिक्स यानी कि गणित में टोटल आपको 37 चैप्टर पढ़ना है यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। इन 37 चैप्टर को मैं बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा हरियंत पब्लिकेशन की बुक से, और सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। तो कहीं पर भी आपको ना तो पेड कोर्स लेना है ना तो किसी ऑफलाइन क्लास के लिए पैसा देना है, बिल्कुल फ्री मैं आपको यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा फुल एंड फाइनल। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के टोटल चैप्टर थ्योरी विथ क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद से PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी पूरी अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर ही आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी करवाऊंगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने
2020 में भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करवाया है। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए 1 दिसंबर से। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें एक क्लास मैथ का होगा और दूसरा क्लास फिजिक्स या केमिस्ट्री का होगा, जिसको आप स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे। यदि आप बोलते हैं कि फिजिक्स से स्टार्ट करिए तो फिजिक्स से कर देंगे, यदि आप केमिस्ट्री से बोलते हैं तो केमिस्ट्री से। तो डिसीजन आपका है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहले मैथ और फिजिक्स पढ़ाएं कि पहले मैथ या केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो डिसाइड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैथ के पूरे सिलेबस को मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।